पीने के साफ पानी की अहमियत। जमीन का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पीने के पानी की मकदार सिर्फ 3% है। इस 3% पीने के पानी का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस पत्थरों की शक्ल में भी महफूज है। लिहाजा हकीकी मानों में सिर्फ 1% पानी पीने के पानी की सूरत में दस्तयाब है। आज दुनिया भर के ममालिक पीने के साफ पानी की अहमियत को समझते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारा मुल्क भी पीने के पानी के बुहरान के पेश नज़र बड़े पैमाने पर मुयस्सर कोशिशें कर रही है। अब सिर्फ जल जीवन मिशन को ही ले लें, पीने के पानी को महफूज करने और उसे हर गांव तक पहुंचाने के लिए उस स्कीम को इज्जत मआब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की फसील से शुरू किया था। इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन का मकसद 2024 तक मुल्क के सभी देही घरानों को नलके के जरिए पीने का साफ पानी फराहम करना है। गांव-गांव में ये स्कीम मरकजी हुकूमत के इश्तराक से चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत एक माली साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम फराहम की गई है, जो गांव के मुल्क में पीने के पानी की फराहमी के मंसूबों पर खर्च की जानी है। अच्छी बात यह है कि इस कोशिश में मुल्क भर की पंचायतें भी अपनी सतह पर हुकूमत के साथ तआवुन कर रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायती राज की मदद से मरकजी और रियासती हुकूमतों की पानी से मुतालिक स्कीमों को ज़मीनी सतह पर लागू किया जा रहा है। गांव की सतह पर पीने के पानी के मसले को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम जम्मू कश्मीर के देहातों की बात करें तो यहां के हालात और भी पेचीदा है। आज ये समझते हैं कि पीने का पानी क्यों इतना अहम मौजू है। हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पानी पर मबनी है। एक बालिग इंसान के जिस्म का तकरीबन 80% पानी होता है। माहिरीन और डॉक्टरों के मुताबिक हमें दिन में कम से कम 8 गिलास यानी 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आइए समझते हैं कि पीने के साफ पानी की ज़रूरत क्यों है। यह हमारे जिस्म के लिए एक नेमत की तरह है। उसके दर्ज ज़ेल फ़वाद हैं, जैसे साफ पानी और सेहत, हार्मोन्स और गजाइत बढ़ाने में मदद करता है, अज़ा और टिशू बनाने में मदद करता है, जिसम से गैर ज़रूरी अनासर को निकालने में मदद करता है, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की गर्दिश में मदद करता है, जिसम के दर्ज हरारत को मुतवाजन रखने में मदद करता है, तवानाई की सतह को बरकरार रखने में मदद करता है, जोड़ों को चिकना करने में मदद करता है। आम तौर पर साफ नज़र आने वाले पानी बहुत से जहरीले केमिकल से भरा हो सकता है, जैसे पानी में पाए जाने वाली ख़तरनाक जरासीम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, तांबा, क्रोमियम, मरकरी, दवासाजी, कीड़े मार अदवा। ये केमिकल्स हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक है और यह हमारे लिए बहुत सी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। देही आबादी अक्सर पीने के आलूदा पानी के मुजमर असरात से मुतासिर होती है। आलूदा पानी पीने से
होने वाली बीमारी है। पोलियो, यरकान, मुतवातिर बुखार, हैजा, असहाल, तप, दिक, पेचिश, इंसफ्लुएंस जैसी ख़तरनाक बीमारियां होती है। ये सभी बीमारियां देही इलाकों में वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन सभी चीज़ों के पेश नज़र राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ने पीने के पानी की सफाई को बरकरार रखने के लिए कुछ हिदायत दी है। जैसे मुल्क के देही इलाकों में पीने के पानी के बग़ैर बस्तियों को महफूज पानी मुहैया करना, सभी स्कूलों आंगनवाड़ियों में पीने के साफ पानी को यकीनी बनाना, पीने के पानी की हिफाजत, दस्तियाबी, फराहमी और खपत को यकीनी बनाने के लिए वसाइल के इंतज़ाम में शिरकत को फ़रोग देना, पीने के पानी के वसाइल की निगरानी और आलूदा से पाक पानी के लिए इस्लाही इकदाम करना, वक्तन फवक्तन पंचायती सतह पर पानी के बजट बनाना, वक्तन फवक्तन पानी की जांच करवाना, बारिश के पानी की ज़खीरा अंदोजी की हौसला अफजाई करना। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद पीने के पानी से है, इसलिए पीने के पानी को महफूज करना हम सब के लिए ज़रूरी है।